क्या ये आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर कितना लंबा था? 1980 में कौन से देश के पास टेलीफोन नहीं था, जो दुनिया का सबसे पहला देश था जिसके पास टेलीफोन नहीं है? माइक्रोवेव का आविष्कार कब हुआ? ऐसी कौन सी चीज़ है कि लोग अपने कंप्यूटर का पासवर्ड देने के लिए राजी हो गए? एक बोइंग 767 एयरलाइन कैसे बनता है? सारे सवालों का जवाब हम आपको देंगे इस वीडियो के ज़रिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। एक टाइम मैगजीन ने 1982 में कंप्यूटर को मैन ऑफ द ईयर का नाम दिया। वो दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर लगभग 2.5 मीटर ऊंचा था और इसका वजन लगभग 30,000 किलोग्राम था। 1980 में दुनिया में एक ही देश था जिसके पास टेलीफोन नहीं था, वो था भूटान। 4 माइक्रोवेव के भी एक आविष्कार का शोधकर्ता द्वारा एक रडार ट्यूब द्वारा चलाए जाने के बाद किया गया था और उसकी जेब में चॉकलेट बार पिघल गया था। 5 स्टीवर्ड सबसे लंबा शब्द है जो केवल बाएं हाथ का उपयोग करके टाइप किया जा सकता है। एक सर्वेक्षण के हिसाब से 75% कार्यालय कर्मचारी सड़क पर रुक गए और एक चॉकलेट बार के बारे में अपने कंप्यूटर पासवर्ड देने के लिए तैयार हो गए। इलेक्ट्रिक कुर्सी का आविष्कार एक दंत चिकित्सक द्वारा किया गया था। एक बोइंग 767 एयरलाइन 31 लाख अलग अलग हिस्सों से बनाया गया है। टाइपराइटर सबसे लंबा शब्द है जिससे कीबोर्ड की केवल एक पंक्ति पर कुंजिया का उपयोग करके बनाया जा सकता है। तो ये थे कुछ मशीनों के बारे में मज़ेदार किस्से, जो फैक्ट है। आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।